अयोध्या में जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद बीजेपी के गोसाईगंज विधायक और महानगर अध्यक्ष ने खुशी जाहिर की है। विधायक इंद्र प्रताप तिवारी ने कहा कि जीत जो 9 ब्लॉकों में हुई है वह हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत का फल है, जिसके लिए हम यूपी के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री को बधाई देते हैं। आगे उन्होंने कहा कि यह जीत उनके कार्यकर्ताओं के चरणों में भेंट करते हैं। आपको बता दें कि अयोध्या में 11 में से 9 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। ये जीत जो हुई है 9 ब्लॉकों पर, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो रात दिन अपना खून पसीना बहाकर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करते हैं और जिनके मन में एक अक्षुण भारत की एक कल्पना है उसको मजबूत करना चाहते हैं, ये सब उन्हीं के मेहनत के परिणाम का फल है जो इतनी बड़ी सफलता मिली है। खासकर हमारी विधानसभा गोसाईगंज में 3 सीटें हैं, 3 की तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रत्याशी थे वो भारी मतों से जीते हैं। पूरे चुनाव में लगातार आप लोगों ने मेहनत किया है, जीत किस तरह आप लोग इसको देना चाहेंगे? एक कार्यकर्ता के रूप में हर व्यक्ति मेहनत करता है, चाहे एमपी हो, चाहे एमएलए हो, चाहे सामान्य कार्यकर्ता हो। दायित्व तो अलग अलग हो सकता है, कोई विधायक हो सकता है, कोई सांसद हो सकता है, कोई अध्यक्ष हो सकता है, लेकिन कार्यकर्ता सब है और सभी लोगों ने मेहनत किया है, तो जो ये मेहनत का परिणाम है ये कार्यकर्ताओं के परिश्रम का प्रतिफल है। बधाई देते हैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को, अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को, और जो ये जीत हुई है अपने कार्यकर्ताओं के चरणों में इसको हम भेंट करते हैं। वहीं बीजेपी महानगर अध्यक्ष अभिषेक मिश्रा ने भी पार्टी की इस प्रचंड जीत का श्रेय पीएम मोदी और सीएम योगी की जन कल्याण योजनाओं को दिया है। उन्होंने कहा है कि पंचायत चुनाव की जो रणनीति थी, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इसी से हम जीतने में सफल हुए हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि यह प्रचंड बहुमत साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी के 4.5 सालों में किए गए कार्य जनहित में हुए हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप सभी के चैनल के माध्यम से मैं भारतीय जनता पार्टी के इस प्रचंड विजय की सभी को शुभकामनाएं बधाई देना चाहता हूँ। जीत के श्रेय का जो विषय है, जीत का श्रेय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जनकल्याणकारी योजनाएं, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी की जनकल्याणकारी योजनाएं, उनको इस जीत का श्रेय है। और जीत का श्रेय हमारे असंख्य कार्यकर्ताओं को है जिन्होंने परिश्रम की पराकाष्ठा करते हुए इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाया है। हमारे सभी कार्यकर्ताओं को जीत का श्रेय है। पंचायत चुनाव में विजय की जो रणनीति थी, वह रणनीति केवल इतनी है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इसको हम जीतने में सफल हुए हैं। यही हमारी रणनीति है और इसी रणनीति के आधार पर हम जिले के पंचायत का चुनाव लड़े हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। यह प्रचंड बहुमत यह साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लगभग 4.5 वर्षों के कार्यकाल में ग्रामीण क्षेत्र की जनता को जो जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभ हुआ है, उस लाभ के कारण जनता ने हमको चुना है।